तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपके पास कलर ओएस का डिवाइस है यानी कि रियलमी वाई 4.0 या कलर ओएस 13, ऑक्सीजन ओएस जरूरी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ओएस में वो फीचर ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रियलमी वाई 4.0 और कलर ओएस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास ये दो डिवाइस है तो यहाँ पे आपको वन प्लस का क्लॉक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया हुआ इस क्लॉक ऐप को मतलब अपडेट करके, बट यहाँ पे मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा। एक 2 MB का APK आता है जो कि OnePlus का ऑफिशियल है, वो OnePlus के ओल्ड ऑक्सीजन ओएस वर्जन थे उन सब में आता था, यानी कि ऑक्सीजन ओएस 9, 10, 11 इन सब में। तो उस APK को इंस्टॉल करना है और ये यहाँ पे क्लॉक विजेट देख सकते हैं रेड एक्सेंट के साथ देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक APK दूंगा जो कि देख सकते हैं OnePlus क्लॉक विजेट, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ से जाकर उस APK को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होगा, आपको विजेट वाले सेक्शन में जाना होगा अपने फोन में, और ये जो ट्रिक है किसी भी यहाँ पे डिवाइस में वर्क कर रहा है, या फिर आपके पास MIUI हो, Realme UI, फोन टच OS, कलर OS, जो भी डिवाइस है सब में यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। मैंने ट्राई कर लिया, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, सबसे लास्ट तक यहाँ पे देखना है आपको कि वो विजेट वाला सेक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं OnePlus विजेट करके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप वेदर का सेट कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गाइज। तो ये देख सकते हैं, ये आपका वेदर का देखने को मिल गया। इसका साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जब आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे। ये सिंपल नेवर सेटर लिख कर आ चुका है, इसको आप फुल यहाँ पे फुल करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विजेट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम वाले विजेट की बात करूँ जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हैं रेड कलर के एक्शन के साथ काफी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। जो वन है वो यहाँ पे रेड कलर हो गया, ऊपर में नेवर सेटल, ऊपर में फ्राइडे 20th अप्रैल ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल आपको एक APK इंस्टॉल करना है OnePlus क्लॉक विजेट का, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपली विजेट वाले सेक्शन में जाना है। आपके डिवाइस में जिस तरह से विजेट सेक्शन एक्सेस होता है वहां से आपको जाना होगा। MIUI में भी काम कर रहा है, फोन टच ओएस में भी काम कर रहा है और सारे डिवाइस में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ से सिंपली आपको प्लेस कर देना है और देख सकते हैं ये आपका क्लॉक विजेट देखने को मिल चुका है, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है गाइस। और यहाँ पे मैं इसे ऑफिशियली यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पे अमेजिंग लगता है। आपका डिस्प्ले का साइज जो ये लेआउट होता है इस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। ये जो देख सकते हैं 4x6, 5x5, 5x6, तो इसको आप अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से विजेट प्लेस करिएगा क्योंकि हल्का फुल्का साइज के इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका ये यहाँ पे प्लेस होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल बनी हुई चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस APK को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।